ड्राइव करने वालों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बिना वे काम नहीं चला सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के बिना अगर आप ड्राइव करते हुए पकड़े जाते हैं तो चालान कट सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंट कहीं खो जाए, लेकिन अब डीएल खो जाने पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग राज्यों में इसके लिए प्रोसेस अलग होता है, सभी राज्यों के बारे में बताना संभव नहीं। ऐसे में उदाहरण के लिए हम यहाँ यूपी के प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं। डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके रखने होंगे। इन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ सकती है। डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको फॉर्म 2 LLD में आवेदन, असली लाइसेंस, लाइसेंस की फोटोकॉपी, FIR की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। आइए अब आपको बताते हैं कि आप कैसे डीएल के लिए अप्लाई करें। जैसे कि यूपी में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले सारथी परिवहन की वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाएं। यहां दिए ऑनलाइन सर्विस के ऑप्शन को चुनें। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज को सिलेक्ट करें, फिर उत्तर प्रदेश राज्य को चुनें। यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस के पेज पर जाएं और सर्विसेज ऑन डीएल रिन्यूअल डुप्लीकेट एडीएल आईडीपी अदर पर क्लिक कर दें। कंटिन्यू को सिलेक्ट करें और फिर ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर और अपनी बर्थ डेट डाल दें। इसके बाद मिलने वाली डीएल डिटेल से अपने ड्राइविंग लाइसेंस को चुन ले और कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। इसके बाद अपने राज्य का नाम और RTO को सिलेक्ट करें। अब अपनी ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स को कंफर्म करें और फिर इश्यू ऑफ डुप्लीकेट डीएल को चुन लें। अब आपको बताना होगा कि आप डीएल के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद पहले भर चुके एप्लीकेशन फॉर्म और भुगतान के बाद मिलने वाली स्लिप को डाउनलोड कर लें। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपको RTO के ऑफिस लेकर जाना है और वहां जमा करना है। कुछ दिनों बाद आपका डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा। टू व्हीलर हो या फोर, किसी भी तरह के वाहन को चलाने के लिए ड्राइवर के पास लाइसेंस का होना बेहद जरूरी है। हमारे देश में लाइसेंस प्राप्त करने की उम्र 16 साल या उससे ज्यादा है। ऐसे में यदि आप भी पहली बार लाइसेंस बनवाने के लिए जा रहे हैं तो इसका आसान सा ऑनलाइन प्रोसेस है जिस फॉलो कर आप लाइसेंसधारी बन सकते हैं। हालांकि इस पूरे प्रोसेस में एक टेस्ट भी लिया जाता है और इस टेस्ट को पास करना जरूरी होता है। हालांकि ये सभी सवाल सामान्य होते हैं और कुछ जानकारी के साथ इनका सही जवाब दिया जा सकता है। परमानेंट लाइसेंस मिलने से पहले 6 महीने के लिए लर्नर्स लाइसेंस इश्यू किया जाता है। इस लाइसेंस को लेने के लिए आप आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी केवल एक ही शर्त होती है कि आपकी उम्र 16 साल या उससे ज्यादा हो। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा प्रोसेस। सड़क परिवहन विभाग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट sarthi.parivahan.gov.in पर जाएं। होम पेज में अपने राज्य को सेलेक्ट करें। अब आप नए पेज पर होंगे। यहां लर्नर लाइसेंस पर क्लिक करें। नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें कंटिन्यू पर क्लिक करें तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने होगा। एप्लीकेशन फॉर्म में कैटेगरी का सिलेक्शन करें और फॉर्म में सभी जानकारी फिल करें। अब जरूरी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। फिर LL टेस्ट स्लॉट ऑनलाइन पर क्लिक करें और सबमिट पर क्लिक कर दें। अब आपको अपने RTO ऑफिस जाना होगा। वहां ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना होता है। अगर आप टेस्ट में पास हो जाते हैं तो लर्नर लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।